लोगों का उन्होंने चलाया नीतीश जी ने एक काम पकड़ लिया चलाते पार्टी भी अपने के से बोलते तो जिनके साथ थे जनता दल यू को कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके कोई कसर उन्होंने छोड़ा था हमारे भतीजे चिराग पासना कोई नहीं छोड़ा उनको कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं मुबारक के बारे में सोचते हैं मुबारक यह तो देखना पड़ेगा ना कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे नमस्कार मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं स्टीज। कल जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाया गया है लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया आगे विधानसभा का चुनाव होने बात करने के साथ साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं कल दिल्ली में बैठक हुई संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया कैसे देखते हैं कैसे देखते हैं सहज तरीके से देखते हैं इसको इसके लिए देखना क्या है उनको मुबारक उनको मुबारकबाद दिया हमने कि संजय झा बने हैं और ऐसे भी वो टेक्निकल नेता हैं टेक्निकल नेता हैं हाँ देखिए नेता तो किसी भी पार्टी में एक दो होता है ना तो वो टेक्निकल नेता है कैसे? जिसका मास बेस नहीं हो जिसको जिसके आह्वान पे हजारों लोग नहीं आए खुद ब खुद तो मेरी अपनी परिभाषा में वो मास नेता नहीं है टेक्निकल नेता है लेकिन नेता है नेता है बना दिए गए हैं एमएलसी रहे हैं और राज्यसभा रहे हैं तो ये सब टेक्निकल रास्ता है तो जो भी हो उनको उनकी पार्टी ने बनाया मुबारक उसमें हमारा कुछ नहीं कहना कितनी चुनौती है, है विधानसभा का चुनाव कोई जा है नहीं है जेडीयू अपने कमर अपने कमर हैं। कोई रहे। कोई चुनौती नहीं है जनता यू और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा ही रोमांचित रिश्ता रहता है हाँ रोमांचित रिश्ता ये कि कब तुम मेरे सनम हो कब तुम मेरे सनम नहीं हो अच्छा ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ इतिहास का ज्ञान है मुझे बोध इतिहास बोध है तो सत्रह साल का जो मेरे सामने पटल है सफ़े पे जो चीज़ें लिखी हुई लिखावट में यही है कि कब कौन कहाँ किसको ज्ञान देगा पता नहीं है और ये सारे नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बरका झुट्ठा पार्टी के साथ वो गए हैं तो अब वो कितना दिन रहेंगे नहीं रहेंगे दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग नहीं रहेंगे नहीं क्योंकि हर इंसान अपने अंदाज से पहचाना जाता है और विश्वसनीयता जो है मुझे अफसोस भी आता है मैं नीतीश जी को एक अच्छा नेता मानता हूँ कि विश्वसनीयता कैसे खोता है इंसान जब वो अपने स्टैंड पे क्लैरिटी नहीं रहती है तो उनके स्टैंड पर किसी स्टैंड पे क्लैरिटी नहीं है अभी दो रेजोल्यूशन लिया है ना उन्होंने कि हम ये करते रहेंगे करेंगे इस दो रेजोल्यूशन के लिए पहला रेजोल्यूशन विशेष राज के दर्जा के लिए करोड़ों लोगों का कैंपेन उन्होंने चलाया नीतीश जी ने एक काम पकड़ लिया जनता ने कैंपेन चलाते रहो जैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपने चरित्र के हिसाब से झूठ बोलते रहो 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 रह। सच लगने लगेगा ऐसा होता नहीं इस बार पता चल गया चार के पार वाले कहाँ पहुँच गए इसीलिए नीतीश जी ने जो डिमांड किया है डिमांड सही है उसमें हम सब लोग शामिल हैं लेकिन जिनके साथ गए हैं वो मिलेगा नहीं ये उनको भी पता है नहीं ले, मिलेगा लेकिन जनता के कंजम्पशन के लिए नहीं कैसे दे देगी वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपनी झूठ की व्यवस्था में छोटा सा सच जोड़ दे पाएगी कभी नहीं जोड़ेगी मिल जाते नीतीश जी के नेता कहते हैं कि आप हमें लव करें या हेट करें इग्नोर कैसे कर दीजिए माँ सही है यह बात सही है कि आप लव कीजिए हेट कीजिए इग्नोर कर तो उनको इग्नोर क्यों कर कर सकता है क्या बारे? लगता है कि ये जो प्रस्ताव लाया गया इसको इग्नोर कर देंगे बीजेपी के लोग उनको करना है उनका अंदाज है उनका चरित्र है ये उनका चरित्र है ये और उस चरित्र को मानते हुए और उसे फिर कॉम्प्रोमाइज करेगी जनता दल उनके इस बात को नहीं माने फिर कॉम्प्रोमाइज करेगी नहीं आप अपना बात नहीं माने चले हम इधर आप लोग स्वागत कीजिएगा उस लफ्ज का इंतजार है

किरदार उस तरह कर रहा है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ अब आने वाले दिनों में क्या होगा तब का फैसला तब होगा अब आपके पर माध्यम से थोड़े बोलेंगे ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि कल क, कल यहाँ पे आंधी होगी तो क्या करेंगे यहाँ पे बैठे रहेंगे भाग जाएंगे जाएं। अरे आंधी को नहीं आने देंगे ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना अच्छा चलिए एक सवाल है लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया विधानसभा का चुनाव होने जा रहे हैं पर अलग अलग दल के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने चिराग पासवान के लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री कर बने बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि इस बार उनके दल के मुख्यमंत्री कर बने नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि एन के नेतृत्व उनके चुनाव उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस के लोग किनको को चाहते सर फुटोबल वहाँ शुरू हो गया आपस में सर टकरा रहे हैं और फूट भी रहे हैं तो एकजुट रहे फूटते क्यों हैं यह कुर्सी कांग्रेस पार्टी का बड़ा सिंपल मामला है हम चीज़ों को समय पर एसेस करते हैं तब तो फैसला क्या विधानसभा सही समय पर एसेस करेंगे तब तो फैसला करेंगे वो सही समय अभी आया नहीं है कहाँ विधानसभा अगले साल सितंबर अक्टूबर में है अब ये फैसला करें कितनी तैयारी चल रही है विधानसभा तैयारी है जैसे तैयारी हमारी थी लोकसभा में हम लोग ठीक से तैयारी की थी हमारे वोट परसेंटेज बढ़े हैं लोगों का रुझान आया है लोग धोखे से परेशान हुए हैं तो राजनीति में हार जीत होती रहती है लेकिन हम सही है स्ट्राइकिंग रेट पे हैं बिहार में एनडीए की सरकार है और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब क्या है पहले जो तो नहीं करें हैं। सवाल नहीं उठाए विपक्ष विपक्ष अरे आपने अपराध पक्ष के लोग जवाब दे रहे हैं कि छिटपुट तो घटनाएं घटती ये छिटपुट घटना है।, है रोजाना ओपनली क्राइम हो रहा है ये छिटपुट है ओपनली चैलेंज किया जा रहा है ये छिटपुट घटना है कोई छिटपुट घटना बता तो रहे हैं 2005 के पहले क्या होता था मतलब 2005 ही जीवन का अंतिम दिन था ना उसके बाद आपने कुछ नहीं किया दूसरे राज्यों के तुलना में बिहार ने कितनी तरक्की पिछले सत्रह साल में जब अध्ययन होता है ना तुलनात्मक अध्ययन होता है तुलनात्मक अध्ययन में बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा बिहार के लोगों की जीवन शैली कितनी बदली बिहार के नौजवानों का पलायन कितना रुका पर, परसेंटेज रुका बिहार के पास अपना इनकम रेशियो कितना बढ़ा यह है तुलनात्मक अध्ययन आप हमेशा तुलना करते रहिएगा ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के ज़माने में ऐसे था कोई बात थोड़ी होती है आपको मौका मिला आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं पुल गिरा आपके ज़माने में उसमें जो कुछ हुआ उसके निगरानी से आप बच नहीं सकते हैं दूसरे पर ठेकड़ा फोड़ करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? चलिए हम चिराग पासवान को लेकर बात करेंगे चिराग पासवान के पांच सांसद हैं कल बड़ा कार्यक्रम किया कई लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने चिराग पासवान की अपनी पार्टी है चिराग पासवान की जाति का अपना एक परसेंटेज है उसी में खेला खेल रहे हैं कि सबको ले चल रहे हैं वो तो जिनके साथ थे जनता दल यू को कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके कोई कसर उन्होंने छोड़ा था हमारे भतीजे चिराग पासवान ने कभी नहीं छोड़ा था भारतीय जनता पार्टी के डिजाइन के साथ उन्होंने जनता दल यू को हराने की कोशिश की और उसको चौवालीस में लाया इस बार भी कुछ तो खेला कर सकते हैं यह कंट्राडिक्शन पार्टियों का कंट्राडिक्शन है जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी हम पार्टी के तो बातें छोड़ दीजिए कोई आइडियोलॉजी की एकाग्रता एक है कोई इतिहाद है नहीं हमारा सवाल है चिराग पासवान के मुताबिक अगर नहीं हो तो फिर से वो इस तरीके का खेला कर देंगे अरे जिसने जो किया है फिर करे कर सकते हैं लेकिन वो क्या करेगा नहीं करेगा मैं उसका उनका ब्रीफ लेकर नहीं बैठा हूँ उनको कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं मुबारक बिहार के बारे में सोचते हैं मुबारक लेकिन यह तो देखना पड़ेगा ना कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे एक कॉम्बिनेशन को तो धोखा दे चुके हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कितना दो, देगा चलिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे हमारे साथ क्या कुछ कर थे हमने तमाम बयानों को सुनवाया फिलहाल के इतना ही बने रहे